प्लस साइज हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि प्लस साइज होने की वजह से ड्रेसेस पहनने के ऑप्शंस कम हो जाते हैं ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लस साइज होने के बावजूद भी ब्यूटीफुल दिख सकते हो और अलग अलग टाइप्स के ड्रेसेस भी आप पहन सकते हो कुछ टिप्स फॉलो करके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ प्लस साइज एथनिक आउटफिट्स के बारे में, और कुछ टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप शादी में, पार्टी में, कोई भी फंक्शन हो उसमें आप इस टाइप के आउटफिट्स को आराम से वेयर कर सकते हो, और बाकी लड़कियों की तरह अलग अलग टाइप के ड्रेसेस को वेयर करके आप कोई भी पार्टी को, शादी को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर पर है शरारा सूट्स। इस टाइप के शरारा सूट्स आप वेडिंग में, पार्टीज में पहन सकते हो। इस टाइप का शरारा सूट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकता है, और अगर आपको इस टाइप का शरारा सूट मार्केट में अवेलेबल नहीं भी होता है तो आप इस टाइप का फैब्रिक परचेस करके ये ड्रेस अपने टेलर से बनवा सकते हो। ये ड्रेस टेलर से बनवाने से पहले और मार्केट से ये ड्रेस परचेस करने से पहले आप एक चीज जरूर रिमाइंड कर लेना, शरारा सूट का जो टॉप होता है वो ज्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। शरारा पैंट की कलीज ज्यादा होनी चाहिए जिससे आपका फैट कम दिखेगा और एक इल्यूजन आएगा कि आप थोड़े स्लिम हो। और फ्रेंड्स और एक इम्पोर्टेंट बात, दुपट्टा स्टाइल करते वक्त इस चीज का ध्यान जरूर रखना, आपको शरारा सूट्स पर इस टाइप से दुपट्टे को बिल्कुल भी वेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से दुपट्टे को वेयर करोगे तो वो आपको और भी बड़ा करके दिखाएगा, और भी मोटा दिखा सकता है। इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, इसके बजाय आपको इस टाइप से दुपट्टे को वेयर करना है। तो कभी भी इस ड्रेस को परचेस करते वक्त या फिर इस ड्रेस को बनवाते वक्त इन टिप्स का ध्यान जरूर रखना। तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पर जो ड्रेस है वो है फ्लेमिंगो पिंक अनारकली। ये ड्रेस आप इजीली मार्केट से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको रेडीमेड ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं है तो आप मार्केट से फैब्रिक परचेस करके अपने टेलर से इस ड्रेस को बनवा सकते हैं। इस ड्रेस को बनवाने के लिए आप कॉटन, कॉटन सिल्क या फिर नेट, सैटिन, इनमें से कोई भी फैब्रिक को परचेस करके इस ड्रेस को बनवा सकते हैं। इस ड्रेस को बनवाते वक्त एक चीज जरूर रिमाइंड कर लेना, इस ड्रेस की कलीज ज्यादा होनी चाहिए, ड्रेस ज्यादा फ्लेरी होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये ड्रेस आपके थाई फैट को पूरा कवर कर लेता है, और ड्रेस का बॉटम पार्ट फ्लेरी होने की वजह से एक इल्यूजन आता है कि आप थोड़े स्लिम हो। तो आप इस ड्रेस को आसानी से किसी भी पार्टीज में वेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर पर है लहरिया केप ड्रेस। अगर आप शादी में, पार्टी में, कोई भी फंक्शन में सबसे सुंदर ड्रेस को पहनकर जाना चाहते हो, साथ ही साथ में वो ड्रेस कंफर्टेबल भी होनी चाहिए अगर ऐसा आप चाहते हो, तो आप इस ड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी पार्टी और फंक्शन के लिए, क्योंकि ये ड्रेस स्टाइलिश के साथ साथ बहुत कंफर्टेबल भी होता है। ये ड्रेस फ्लेरी होने के साथ साथ इसे श्रग भी है, और इस श्रग की वजह से आपका जो भी साइड फैट होगा वो थोड़ा कवर हो जाता है। तो इस ड्रेस में आपका साइड फैट प्लस लोअर बॉडी का जो फैट होता है वो भी कवर अप हो जाता है अच्छे से। मैंने बताए हुए आपको अब तक के सारे ड्रेसेस को अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से पहनते हो तो स्टाइलिश के साथ साथ और ब्यूटीफुल भी दिखोगे। तो फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पर जो ड्रेस है वो है बनारसी जॉर्जेट अनारकली। ये ड्रेस आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। इस ड्रेस को परचेस करते वक्त एक चीज का ध्यान जरूर रखना, ये ड्रेस लॉन्ग होनी चाहिए, साथ ही साथ में इसकी कलीज ज्यादा होनी चाहिए, इससे हाइट का इल्यूजन क्रिएट होता है एंड आप थोड़े टॉल एंड स्लिम दिखते हो। तो फ्रेंड्स कभी भी इस टाइप का अनारकली मार्केट से परचेस करते वक्त या फिर टेलर से बनवाते वक्त इन टिप्स का ध्यान जरूर रखना। तो फ्रेंड्स आपको इन चारों ड्रेसों में से कौन सा ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने प्लस साइज फ्रेंड्स को, शायद उन्हें ये वीडियो देख के कोई हेल्प मिल जाए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे चैनल के हर एक न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। तो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।